जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संसार जगत के समस्त निवासियों, आप सभी का सादर अभिनंदन। दृश्य संसार जगत चींटी से लेकर सूर्य, चंद्रमा, तारा सभी मात्र 5 तत्वों से निर्मित हैं। धरती, जल, अग्नि, हवा और आकाश, यह 5ों तत्व निरंतर परिवर्तनशील है, अर्थात नश्वर है। समय चक्र में यह सर्वदा परिवर्तित होते रहते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित वस्तुओं के प्रति आसक्ति और इनको प्राप्त करने की इच्छा, यह मनुष्य के मन को शून्य से 30 लाख गुना ज्यादा नीचे कर चुका है। आज संपूर्ण विश्व महायुद्ध के स्थिति में आ चुका है, जिसे विश्व युद्ध कहते हैं। आज आवश्यकता है परम चेतना को जागृत करने के लिए। यद्यपि अमेरिका से इस शरीर के ज्ञान बुद्धि को विचार कर विश्व का प्रथम वैज्ञानिक यानी चीफ एडिटर बनाया गया, जिसमें इन मन के सभी रोगों को दूर करने का व्रत लिया गया। वैसे तो मन के रोग अनगिनत हैं, किंतु कुछ शब्दों में वासना, जो कि सभी रोगों का जड़ है, क्रोध, लोभ, घमंड, जलन, ममता, मोह यानी अज्ञान, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, धोखा, ये सब पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुके हैं। परम तत्व जो इच्छा रहित है, अजन्मा है यानी जिनका जन्म नहीं होता, मात्र जिनकी ऊर्जा के द्वारा पूरा विश्व संचालित हो रहा है, जो संतत है, संसार जगत का कोई बिरला ही व्यक्ति उनके द्वारा प्रेरणा की हुई रास्ते पे चल पा रहा है। जब 27 जुलाई
2013 को इस शरीर बुद्धि को विश्व का चीफ एडिटर बनाया गया। कुछ विशेष यानी मानसिक रोगों का विश्व से सफाई करने के लिए, तो मैंने इस शरीर के द्वारा विश्व के समस्त राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नोबेल वैज्ञानिक, धर्मगुरु, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जो भिन्न भिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्गियों वर्गीय महानुभाव से विनम्र निवेदन किया कि आप लोग अपना शोध पत्र जमा करें, जिससे इस मानसिक दोषों को दूर करने का आप सभी प्रयास कर रहे हैं, किंतु विश्व का एक भी प्राणी सन्मुख नहीं हुआ। वास्तव में इस नश्वर वस्तुओं के प्रयोग से वास्तविक सुख की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती, और इसमें संपूर्ण जीवन को लगा देना यह मति मंद यानी जिनकी बुद्धि 0 से 30 लाख गुना नीचे जा चुकी है, ऐसे लोगों का कार्य है। आज यह बात बड़े प्रेम से, श्रद्धा भाव से किसी भी व्यक्ति को बताया जा सकता है इस शरीर के माध्यम से। वर्तमान समय में भोग विलास की सारी वस्तुओं से दूर, चारों आश्रम से दूर, स्पर्श, अग्नि, लक्ष्मी, इन सभी से दूर होकर अभी आम के पेड़ के नीचे बैठकर मात्र मैं इस पवित्र मन की पूजा कर रहा हूँ। विश्व के कल्याण के लिए जो परम आवश्यक है, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इन वाणी को जानकर अपने मन की अवस्था को नियंत्रित करें। इंद्रियां एवं मन यह सब आपकी अपनी साधन है, न कि आप सभी इनके दास हैं। विश्वास देता हूं कि विश्व सन्मुख हो और सत्य को समझने का प्रयास करे तो अवश्य एक स्वर्णिम संसार की रचना आज भी संभव है, अन्यथा मात्र 1.5 महीने के अंदर प्रकृति का विकराल रूप, धरती का फटना, भूकंप का आना, सुनामी आदि से जनजीवन बिल्कुल समाप्ति के कगार पे पहुंच जाएगा। आने वाले 9 वर्षों तक धर्म एवं अधर्म का महायुद्ध चलने वाला है। 2025 तक स्वर्णिम संसार की रचना का अखंड व्रत ले चुका हो। यदि विश्व सन्मुख हो तो यह कार्य बड़े सुविधा और आसानी से किया जा सकता है। आप सभी का अपना श्रद्धा एवं विश्वास, जीवन मुक्त डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।